हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। पीरियड्स कितने दिन तक होना नॉर्मल होता है, कितनी ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है, अगर ज़्यादा दिन तक पीरियड्स हो रहे हैं और ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो रही है तो इसका क्या कारण होता है, क्यों होता है ऐसा, क्या ये किसी बीमारी का संकेत है। तो चलिए आज की वीडियो में बताते हैं कि हेल्दी पीरियड्स कितने दिन तक होते हैं। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तो कितने दिन तक आपको पीरियड्स होना चाहिए, और अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, तो कैसी ब्लीडिंग होगी और वो कितने दिन तक चलेगी। तो ये वीडियो आप सभी महिलाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि पीरियड हम महिलाओं के जीवन का एक बेहद अहम हिस्सा है जो कि हर महीने होता है। अगर ये सही नहीं होते हैं तो हमें बहुत सारी शारीरिक परेशानियाँ भी उठानी पड़ती हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस खास टॉपिक पीरियड पर, सब कुछ बताते हैं डिटेल में आपको। हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर मिलेगा। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। अगर आप ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए, पीरियड्स कितने दिन होना नॉर्मल होता है ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी के 2 दिन पीरियड्स होते हैं, किसी के 5 दिन होते हैं और किसी के 7 दिन तक होते हैं। एक जो हेल्दी पीरियड होता है वो मैक्सिमम 7 दिन तक माना जाता है, कि मतलब एक शुरुआत हुई और उसके बाद 7 दिन तक उनके ब्लीडिंग चली, मतलब 4 से 5 दिन तक ठीक ठाक ब्लीडिंग रही नॉर्मल, धीरे धीरे स्पॉटिंग होते होते तक वो 7 दिन में बंद हो गई। तो ये कॉमन है, किसी के 2 दिन होते हैं कि 2 दिन ठीक ठाक ब्लीडिंग हुई नॉर्मल, एक पर डे 2 पैड्स यूज़ हुए, तो इस तरह से 2 दिन में 4 पैड यूज़ हो गए या 5 पैड यूज़ हो गए, उसके बाद फिर ब्लीडिंग कम हो गई और फिर धीरे धीरे स्पॉटिंग हो करके वो पीरियड्स रुक गए। तो ये सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, और पीरियड्स एक्चुअली क्या होता है कि जेनेटिक भी होते हैं, कि जैसे कि आपके मदर के पीरियड्स रहे होंगे, सिस्टर के आपके जैसे पीरियड होंगे, तो अक्सर वो जेनेटिकल भी चलते हैं, हेरिडिटरी होते हैं। अब ये तो हो गया कि नॉर्मल हेल्दी पीरियड होता है जो 2 दिन 5 दिन या 7 दिन चलता है और ठीक ठाक नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है कि दिन में भर आपको 4-4, 5-5 पैड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, ना इतनी कम होती है कि एक ही पैड में आपका पूरा 24 घंटे निकल गया है। तो ये दोनों भी केस नहीं होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा पैड्स यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल एक ही पैड में सब कुछ हो जा रहा है काम सारा, तो ये भी नॉर्मल नहीं होता, ना ये हेल्दी की कैटेगरी में आता है। सिर्फ आप अगर पर डे 2 पैड्स यूज़ कर रहे हैं, या मैक्सिमम समझ लें कि 3 यूज़ कर रहे हैं अगर ज़्यादा आपको हाइजीन चाहिए, तो अगर आप इतना यूज़ कर रहे हैं और पीरियड आपके 5 से 7 दिन तक चल रहे हैं तो वो हेल्दी की कैटेगरी में आते हैं, तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं कि अनहेल्दी पीरियड्स क्या होते हैं, कि बीमारी का संकेत दे रहे हैं वो। जो पीरियड्स इस टाइप के होते हैं जो मैं अब बताने जा रही हूँ, अगर इस टाइप के आपके पीरियड्स हैं तो ये समझ लीजिए कि किसी बीमारी की शुरुआत है, या फिर कोई बीमारी है जो आपको पकड़ चुकी है, जैसे कि यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है। अक्सर यूट्रस की प्रॉब्लम की वजह से ही पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। अब वो पीरियड्स कैसे होते हैं जो हेल्दी की कैटेगरी में नहीं आते हैं? अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है आपको पीरियड्स के दौरान, और ये ब्लीडिंग आपकी कई कई दिनों तक चलती है, अक्सर मतलब आपको 10-15 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, और उसके साथ ही ब्लीडिंग का कई बार कलर भी चेंज हो जाता है, पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है तेज, या फिर बहुत उल्टी टाइप का, काफ़ी सारे लोगों को पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उल्टी जैसा होता है, तो ये आपका इम्बैलेंस हार्मोन है कि आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 10 दिन हो रही है, 15 दिन हो रही है। कुछ कमेंट्स तो मुझे ऐसे आते हैं कि उनको मतलब 1-1 महीने लगातार उनको ब्लीडिंग हो रही है, वो बंद ही नहीं हो रही है। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपको ब्लीडिंग 10 दिन से 15 दिन से लगातार हुई जा रही है, या फिर 1-1 महीने होते जा रहे हैं आपको ब्लीडिंग ही नहीं बंद हो रही है, ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी इधर उधर से पूछना, सलाह लेना, ये सारे काम नहीं करने चाहिए। इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और ना ही ऐसी कंडीशन में आपको घरेलू उपाय करने चाहिए कि ऑलरेडी आपको इतनी ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी आप जीरे का पानी पी रहे हैं, आप अजवाइन का पानी पी रहे हैं, आप दालचीनी का पानी पी रहे हैं, आप सौंफ का पानी पी रहे हैं, ये कभी मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतनी ब्लीडिंग हो रही है, ऊपर से आप अगर ये घरेलू उपाय करते हैं तो इसमें हो सकता है कि आपकी ब्लीडिंग और प्रॉब्लम दोनों ज़्यादा बढ़ जाएं। ऐसी सिचुएशन में कभी भी डॉक्टर से सलाह लेने में देरी ना करें, संकोच ना करें, क्योंकि इस कंडीशन में फिर आप एनेमिक हो सकते हैं, आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है,
और कुछ केसेस में तो लोगों की जान भी चली जाती है जब वो इतनी ब्लीडिंग में भी ऐसे केयरलेस बने रहते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, बस घर में ही घरेलू उपाय से उपाय करते रहते हैं और फिर चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको सचेत कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरे व्यूअर्स हैं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही तरीके से सही चीज़ों को समझाऊँ। तो अगर कभी भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, अगर आपके साथ ये बना हुआ है, पहले नहीं होती थी पर अभी 2 महीने से 3 महीने से ऐसा हो रहा है, या कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि मैम हमने फ़र्स्ट टाइम रिलेशन बनाया या फिर हमारी शादी के बाद से हमें अक्सर एक प्रॉब्लम हो गई कि हमें बराबर ब्लीडिंग होती ही रहती है, या फिर कुछ लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं और वो कमेंट करती है कि मैम हमने रिलेशन बनाया फ़र्स्ट टाइम और उसके बाद से हमारी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही है, वो कंटिन्यूसली होती ही चली जा रही है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इस मामले में घरेलू उपाय बिल्कुल भी मत करिए और ना ही संकोच में घर में बैठिए, क्योंकि ये चीज़ें फिर अभी जब तक आपके हाथ में है इसे आप संभाल सकते हैं, अगर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगे तो आप इसे संभाल भी नहीं पाएंगे। तो अगर ब्लीडिंग 2 से 5 दिन 7 दिन तक हो रही है तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, लेकिन अगर 10 दिन 15 दिन तक और महीने महीने भर ब्लीडिंग चल रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इसके साथ ही आपको बार बार परेशान होना पड़ रहा है, पैड्स चेंज करना पड़ रहा है और भी शारीरिक दिक्कतें आपको साथ में दिखाई दे रही हैं, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। दूसरा केस कि अगर आपने रिलेशन बनाया है, हर बार रिलेशन के बाद आपको ब्लीडिंग होती है, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है तो इट्स ओके, क्योंकि कई बार ओवुलेशन के टाइम पे भी स्पॉटिंग होती है, लेकिन अगर हर बार रिलेशन बनाने के बाद आपको स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है, ये भी कारण है या हो सकता है आपकी यूट्रस में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से आपको हर बार रिलेशन के बाद स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट ज़रूर करिए। तो ये थी वो खास सलाह पीरियड से रिलेटेड कि अनहेल्दी और हेल्दी पीरियड्स के बीच में क्या फ़र्क होता है। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हम महिलाओं से जुड़ी हुई सबसे बड़ी ज़रूरतमंद चीज़ है, क्योंकि ये हम महिलाओं से जुड़ी हुई एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसलिए इसे शेयर भी वीडियो ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।